नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं 10th क्लास 2019 के लिए सीबीएसई बोर्ड का जो मिशन 2019 है, आज का जो हमारा फर्स्ट डे स्टार्टिंग का, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में स्टार्ट कर रहा हूं। यह कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। मेरे वीडियोस बेसिकली अब किस तरीके से आएंगे मैं अपने आगे के सेक्शन में बताऊंगा, भी ऑलरेडी मैंने बताया भी है। तो चलिए, मेरा पहला वीडियो का बिल्कुल इनिशियल पार्ट है। पहले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में। सारे कॉन्सेप्ट में बिल्कुल रिटेन कंप्लीटली डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या अभी आगे डिस्कस करूंगा वही बता रहा हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला पहला पार्ट है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है स्क्वायर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जहां पर ए का कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन है, बी का कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू है। दैट मीन्स के स्क्वायर रूट अंडर एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर होता है। अगर वही डिस्टेंस हम ओरिजिन से काउंट करें तो स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। दो फॉर्मूले डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें देखने हैं। यह फॉर्मूला में बिल्कुल डिटेल्स में भी आगे अभी बताऊंगा, मैं बिल्कुल अभी ब्रीफली और फास्ट वे में पहले मैं करवा रहा हूं। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला का अप्लीकेशन क्या होता है बच्चों, तो इसके एप्लीकेशन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रायंगल को साइड्स के बेस पे बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो स्केलिन होगा, और तीसरे ट्रायंगल को हम आइसोसेलस कहेंगे। अगर ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, मान लीजिए ए का कोई कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी का भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो तीनों साइड दैट मींस कि तीनों सेगमेंट की लेंथ को हम फाइंड कर लेंगे। अगर तीनों का सेगमेंट अगर तीनों सेगमेंट का लेंथ है अगर इक्वल होगा तो वह ट्रायंगल 100% इक्विलेटरल होगा। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि अगर तीनों सेगमेंट ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और पूछा जा रहा है क्या है आइसोसेलस है, तो आप क्या करेंगे, तीनों सेगमेंट के लेंथ को फाइंड करेंगे। अगर तीनों में से कोई भी दो अगर इक्वल है तो ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, आइसोसेलस होगा। चलिए, ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अगर तीनों साइड तीनों सेगमेंट अगर इक्वल नहीं है तो ट्रायंगल जो होगा स्केलिन होगा। एंगल के बेस पे जो हम ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और थर्ड जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल एबीसी में मान लीजिए किसी भी एक साइड का स्क्वायर जो है रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, इक्वल हो, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर अगर दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो, दैट मींस कि ग्रेटर हो, देन द ट्रायंगल गिवन विल बी क्या होगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा बच्चों। और अगर किसी भी ट्रायंगल एबीसी में या पीक्यूआर में जो भी ट्रायंगल हो, ठीक है, उसमें कोई भी अगर एक साइड का स्क्वायर अगर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा हो तो ट्रायंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यही था। उसके बाद हम आते हैं ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बाद अगर आते हैं क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल में अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है और अगर चारों उसके वर्टिसेस अगर दे रखा हो ए बी सी एंड डी, तो अगर हमें बताना हो कि क्या पैरेललोग्राम का होगा, अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन तो क्या पैरेललोग्राम होगा, तो बच्चों पैरेललोग्राम के केस में याद रखिएगा अगर अपोजिट साइड्स को अगर आप इक्वल प्रूव कर दीजिएगा तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। दैट मींस कि अपोजिट साइड्स के सेगमेंट के लेंथ को निकाल लीजिए, चेक कीजिए, बराबर अगर है तो क्या हो जाएगा, जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम हो जाएगा। सेकंड पार्ट में अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, और याद रखिएगा डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं रोम्बस, रोम्बस में ऑल साइड सारे साइड्स को हमें इक्वल प्रूव करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। वही रोम्बस एंड स्क्वायर का अगर पूछा जाए तो स्क्वायर में ध्यान रखिएगा ऑल साइड्स आर इक्वल तो होंगे और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। बाद में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, यहां पर डिफरेंस यही है कि अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल का केस आएगा तो उस दोनों केस में आपको डायगोनल्स भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। लास्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कोलिनियर पॉइंट्स का। तीन पॉइंट्स अगर ए बी सी तीनों के अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और पूछा जाए क्या ऑल द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यस और नो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री सेगमेंट्स, दे आर ए बी ए सी एज वेल एज बी सी, और किसी भी दो सेगमेंट का लेंथ अगर तीसरे सेगमेंट के इक्वल आ जाए देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जितना कुछ मैंने बताया, चलिए अब आने वाले वीडियो में इन सारी चीजों का मैं डिटेल्स में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, मैं हूं बीके सिंह सर, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9717496496। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं बीके सिंह सर। एज पर माई कमिटमेंट आज मैं आपके साथ आ गया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर लेकर के, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो अब इस साल इस बार 2019 बोर्ड जो पेपर जो देने जा रहे हैं बच्चे,
उनके लिए मैं क्या प्लान लेकर आऊं, मेरी वीडियो किस तरीके से आएंगे, आज मैं थोड़ा वो भी डिस्कस करूंगा और बाकी इस चैप्टर के ऊपर भी मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बच्चों, सबसे पहला जो वीडियो का जो फर्स्ट जो कंटेंट होगा वो मेरा खुद का पर्सनल वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें बताऊंगा कि उस चैप्टर में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। सेकेंड फेज में हम आएंगे, जो जिस तरीके से मैं अभी आपको करवा रहा हूं इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि इस पार्ट को करने के लिए मुझे बोर्ड की ओर खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सा और भी हेक्टिक शेड्यूल होता है तो मैं थोड़ा ज्यादा काम कर पाऊंगा, तो इस फेज में होगा। और तीसरे फेज में जैसे वह पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर मेरा वीडियो आएगा और उस वीडियो के थ्रू क्या क्या मैंने पढ़ाया सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। और चौथे फेज में उसी वीडियो को, जो जो मैं कंटेंट करवाऊंगा उसके ऊपर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, जो हमारे वेबसाइट www.abhayasas.com पर होगा। मेरा मोबाइल नंबर यहां दिया हुआ 9717496496, इस नंबर पर प्लीज रिक्वेस्ट, आप कॉल नहीं करेंगे, केवल एक आपके व्हाट्सएप के लिए दिया हुआ। तो चलिए आज हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात बच्चों हम जैसे ही करते हैं तो लगता है कि यह जो नाइन्थ में हमने पढ़ा था क्या वही है, तो मेरा आंसर है कि नाइन्थ में तो बहुत हमने बेसिक तैयार किया था, अब थोड़ा सा उसके हम डिटेल्स में जाएंगे। तो हमें जो बेसिकली पढ़ना है इसमें तीन पार्ट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला डिस्टेंस फार्मूला है, सेकेंड पार्ट जो हमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला है, और थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। हम अपने इस सेगमेंट में, सबसे पहले सेगमेंट में हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे और इसके ऊपर बहुत सारे हम अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे। जो भी मैं बोलूंगा बिल्कुल ट्रूथ के साथ बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। और मैं सारे क्वेश्चंस के साथ इस बार प्रॉपर एक स्टार रैंकिंग दूंगा, बताऊंगा कि यह क्वेश्चन पहले सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पहले पूछा जा चुका है और इसकी स्टार रैंकिंग क्या है। जो मेरे क्वेश्चन की जो स्टार रैंकिंग होगी एक से लेकर के वो 5 स्टार के बीच में होगी। 5 स्टार जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बच्चों आप लोगों को कोऑर्डिनेट के बारे में बेसिक आइडिया तो आपको ऑलरेडी पहले से हो चुका ही होगा। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है ना, यह क्या हो गया कार्टेशियन प्लेन हो गया, और इसे आप एक्स डैश ओ और एक्स लिख दो, एक्स एक्सिस है, या इसे एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, वाई ओ वाई डैश, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट है, या ठीक है तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस को हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इसे वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और इसे वाई एक्सिस भी कहते हैं। ये ओरिजिन हो गया, दोनों एक्सिस यहां पे परपेंडिकुलरली एक दूसरे को मीट करते हैं, तो आपको पता होगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि एक पॉइंट हमने यहां पर ए ले लिया और जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और एक पॉइंट यहां बी लिया और जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 और y2 मान लिया, फिर इन दोनों को हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो दोनों पॉइंट है, ए बी क्या हो गया एक सेगमेंट बन गया, तो ध्यान रखिएगा अब यहां से हम यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से एक यहां करेंगे बच्चों, और फिर इस पॉइंट को हम जुड़ा मिला देंगे, इसको एम मान लिया, इसको पी मान लेते हैं और इसको हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत प्यार से आप कीजिए, बिल्कुल एक एक पार्ट को समझ कर कीजिए। पहले बता दूं कि डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से यहां तक का जो पार्ट होगा दिस ए जो पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे x1 कहेंगे, दैट x1 कहेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ए x1 है तो एब्सिसा ए हो गया x1। और यहां से यहां तक का जो पार्ट है क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा x2 होगा, बिकॉज दिस पार्ट इज x2 एंड दिस वन इज x1, राइट। और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे y1 बोलेंगे, और ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक का जो पार्ट हो गया ये क्या होगा y2 होगा, है ना। तो अगर हमें bm निकालना हो, दैट मीन्स कि bm फाइंड करनी हो, तो bm जो होगा वो क्या होगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इस तरीके से हमारे पास bm आ चुका, bm जो है वो y2 माइनस y1 है, उसके बाद जो am है वो am क्या हो जाएगा, देखिए पूरा x2 है, यह पार्ट x1 है, सो दिस पार्ट विल बी x2 माइनस x1 होगा, तो दिस इज x2 माइनस x1 हो गया।
अब आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल ABM एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने लिखा कि इन ट्रायंगल ABM, ध्यान रखिएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दिस पार्ट इज 90 डिग्री, सो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री जो होगा दैट विल बी हाइपोटेन्यूस, रिमेनिंग दो साइड में कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से ऑलरेडी वी आर अवेयर कि जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है दैट इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स के इक्वल होता है। दैट मींस कि AB स्क्वायर जो होगा बच्चों वह जो होगा BM स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा AM स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आपको AB ही तो निकालना है, तो AB स्क्वायर जो होगा BM क्या था आपके पास Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और AM क्या था X2 माइनस X1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। जब आप यहां पर AB फाइंड करोगे तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट अंडर जो होगा Y2 माइनस Y1 का क्या होगा होल स्क्वायर और यहां पे क्या होगा X2 माइनस X1 का क्या होगा होल स्क्वायर। यहां पे बेसिकली प्लस माइनस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो AB जो होगा वो ध्यान रखिएगा, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या मिला Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। यहां पे प्लस माइनस का साइन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या मिला X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या मिलेगा Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो अब आप सीख चुके हो कि जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा हमारे पास वो क्या होगा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम बेसिक से लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसे हम एब्सिसा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे क्या होगा ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर होगा। यह वैल्यू कभी भी ध्यान रखिएगा नेगेटिव नहीं आएगा, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव हम यहां पे लेते हैं। तो क्या बोला एब्सिसा के डिफरेंस का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड वाई वाले वाई एक्सिस को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं वाई के डिस्टेंस को, तो ऑर्डिनेट का डिफरेंस का क्या होगा होल स्क्वायर हो गया। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट अंडर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे मैं AB लिखूंगा तो B का जो एब्सिसा है X2 और A का एब्सिसा X1 है, तो X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। यह तो रहा बच्चों आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की ही अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि यही डिस्टेंस अगर हमें ऑरिजिन से फाइंड करना हो, कहां से फाइंड करना हो बच्चों ऑरिजिन से फाइंड करना हो, तो चलिए मैंने मान लीजिए एक एक्सिस यहां पर ले लिया वाई एक्सिस एंड दिस पार्ट इज एक्स एक्सिस। तो ऑरिजिन का जो इस केस में जो ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है जीरो जीरो होता है, याद रखिएगा। और एक पॉइंट यहां पर ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें OA का डिस्टेंस फाइंड करना हो इस केस में तो हम O से A पे जा रहे हैं, तो A के एब्सिसा को हम उठाएंगे तो x हो गया और O के एब्सिसा यहां पे जीरो है, तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा y माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स कि यह जो बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन जो होगा दैट विल बी ऑलवेज गिवन बाई, ठीक है, स्क्वायर रूट अंडर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यह फॉर्मूला नंबर आपके पास 2 हो गया। तो पहला फॉर्मूला हमने देखा, फॉर्मूला 1 हमने देखा कि डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर होगा। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन जो होगा दैट विल बी गिवन बाई क्या होगा स्क्वायर रूट अंडर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। तो दो फॉर्मूले बच्चों अब आप सीख चुके हो, इन्हीं दोनों फॉर्मूले के बेस पे अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इन दोनों फॉर्मूला का वाकई में एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, दैट मीन्स कि इन दोनों फॉर्मूले का हम यूज कहां कहां पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, अब आते हैं इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला पे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो चलिए आते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। इस पार्ट को जरा ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है
कि देखिए ट्रायंगल के बारे में अगर मान लीजिए तो पहला केस जो है हमारे पास ट्रायंगल का केस है। तो ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि साइड्स के बेस पे जो हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, ट्रायंगल को हम जो डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है कि नहीं, फिर देखते हैं कि ट्रायंगल कहीं स्केलिन तो नहीं है, फिर हम करते हैं ट्रायंगल के केस में क्या करते हैं स्केलिन के बाद आइसोसेलस ट्रायंगल देखें, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो देखिए क्या इसका एप्लीकेशन है, मान लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीन वर्टिसेस आपके वर्टाइसेस अगर आपके दे रखे हैं ए का बी का और सी का दे रखा है, तो आप ए बी सी को आप ज्वाइन कर लेंगे। अब पूछा जाए कि यहां जो वर्टिसेस हैं वो किस ट्रायंगल का है, ये क्या इक्विलेटरल का है, क्या एस्केलिन का है या ए आइसोसेलस का है। बच्चों तो ध्यान रखिएगा जब ट्रायंगल इक्विलेटरल का होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सेगमेंट को आप फाइंड कर लेंगे, ए का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इजिली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी, सी का भी गिवन है तो इजिली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सी। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सी। दैट मीन्स अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट कि ए बी एज वेल एज बी सी एज वेल एज ए सी हमने तीनों वैल्यूज क्या किया फाइंड करिए, अगर तीनों का लेंथ इक्वल होगा तो ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलेटरल होगा। स्केलिन की बात अगर करें तो इक्विलेटर में क्या देखा आपने कि ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अगर हम स्केलिन की बात करेंगे तो तीनों सेगमेंट को हम निकाल लेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ए बी नॉट इक्वल्स टू ए सी नॉट इक्वल्स टू बी सी, देख इसका भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आइसोसेलस की बात करेंगे तो कोई भी दो साइड इक्वल होंगे, या तो ए बी बी सी के इक्वल या ए सी ए बी के इक्वल, ठीक है, तो कोई भी अगर दो साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होगा आइसोसेलस होगा। तो क्या देखा कि अगर तीन वर्टाइसिस गिवन हो और पूछा जाए कि वो ट्रायंगल क्या फॉर्म होता है, इक्विलेटरल होता है, स्केलिन होता है या आइसोसेलस होता है, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पे भी बता सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कि ट्रायंगल क्या है, या तो साइड के बेस पे हो गया। बच्चों सेकेंड पार्ट देखते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल के में देखते हैं एंगल के बेस पे, ट्रायंगल किस में देखेंगे एंगल के बेस में देखेंगे। तो एंगल में जरा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि एक हमने ट्रायंगल ए बना लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, ए बी सी की बात है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर जो है रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है या वह बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास थ्री केसेस बनेंगे। अगर मान लीजिए कि बी सी का स्क्वायर अगर ए बी स्क्वायर एंड प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल है तो इस केस में जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। क्या बोला कि अगर बी सी स्क्वायर क्या हो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल हो तो यहां जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी 100% राइट ट्रायंगल होगा। अब देखिए ये जरूरी नहीं हम बीसी स्क्वायर ही ले, अगर ए सी स्क्वायर जो हो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल हो तो फिर भी राइट बनेगा, या ए बी स्क्वायर हो दैट इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल हो तो यह भी क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन करेगा। अब बी सी स्क्वायर अगर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को इसके ठीक सामने का जो एंगल है वो क्या होगा 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, अगर इसका स्क्वायर हो तो ये 90 का फॉर्मेशन होगा, इसका स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल हो तो यहां पे 90 का फॉर्मेशन होगा। चलिए तो पहला कहा क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो ट्रायंगल जो फॉर्म होगा वो क्या होगा राइट एंगल। हम इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या लेना देना हमारा है, तो हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है और सी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम तीनों सेगमेंट की लेंथ को फाइंड कर लेंगे ए बी बी सी ए सी, फिर तीनों के हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने के बाद चेक कर लेंगे अगर किसी भी एक का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो ट्रायंगल जो होगा दैट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि बी सी का स्क्वायर अगर ग्रेटर हो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल तो इस केस में बच्चों जो ट्रायंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना, पढ़ा होगा आपने छोटे क्लास में अधिक कोण त्रिभुज जो है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना। क्या देखा कि अगर किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा बच्चों, ठीक है ना। तीसरे केस में देख लो, अगर किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, तो उस केस में जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्यूट एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा। तो दो चीज देख लिया आपने कि कैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहां कहां हम यूज कर रहे हैं, तो राइट एंगल के लिए यूज किया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी हमने यहां पे यूज किया, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज किया। और यहां पे तो क्या तीनों में कंडीशन है, राइट एंगल में इक्वल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल में एक का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा, और थर्ड में क्या होगा, किसी एक का स्क्वायर दोनों के दो साइड के स्क्वायर के सम से अगर छोटा होगा तो ट्रायंगल क्या होगा, उसके इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। यहां तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। अब चलिए ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल से क्या लेना देना है। तो आते हैं थर्ड पार्ट पे, हम क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है। तो पैरेललोग्राम में ध्यान रखिएगा कि अपोजिट साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए कि अगर एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और ए बी सी और डी इन चारों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो उस केस में हम सारे सेगमेंट की लेंथ को फाइंड कर लेंगे, एबी के, बीसी के, सीडी के और एडी के। और अगर हम चेक करते हैं कि अगर एबीडीसी के इक्वल है, अगर एबीडीसी के इक्वल है और एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, तो यहां ट्रायंगल 100% क्या करेगा, पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या देखा कि अपोजिट साइड जो होंगे वो क्या होंगे, जब इक्वल होंगे तो वहां क्या होगा, पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन होगा। चलिए अगले पार्ट में आते हैं, रिक्टेंगल की बात करते हैं। रिक्टेंगल में देख लीजिए, रिक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, आप सबको पता है, लेकिन अब दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे रिक्टेंगल में देखेंगे हम। तो रिक्टेंगल में पहला पार्ट जो हम करेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल करेंगे ही करेंगे। और सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम, डायगोनल्स को भी इक्वल करेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल। तो दो पार्ट यहां ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल के केस में हमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल जो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी होती है यूज करनी ही पड़ेगी, और सेकंड पार्ट में कि डायगोनल्स को भी हम क्या करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे। तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्मेशन करेगा, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड केस में देखते हैं हम रॉम्बस की बात करते हैं। रॉम्बस में ध्यान रखिएगा ऑल साइड्स आर इक्वल का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। आपने पता भी होगा कि रॉम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पे अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चारों अगर आपके पास वर्टाइसेस दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, ऑल साइड्स अगर इक्वल हो गया तो रॉम्बस का फॉर्मेशन होगा। फोर्थ नंबर पे देखते हैं स्क्वेयर और रॉम्बस में कहां पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्क्वेयर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल तो होगा बच्चों, और उसके बाद यहां पर क्या होगा, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो देखिएगा ध्यान में, दो का प्रॉपर्टी जरूर, रिक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टी को जरूर आप और टैली करके चेक कर लेंगे। फिर फिफ्थ नंबर पे अब जब क्वेश्चन आ जाएगा कि पैरेललोग्राम बट नॉट अ रिक्टेंगल एक आ गया, और उसके बाद आ जाएगा रॉम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी आ गया। तो पैरेललोग्राम बट नॉट अ रिक्टेंगल, ठीक है, एंड रॉम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। तो अगर इनकी बात अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि क्या करेंगे, डायगोनल्स भी निकालेंगे, अपोजिट साइड्स निकालेंगे, तो चेक कर लेंगे कि अगर डायगोनल अगर इक्वल नहीं है तो रिक्टेंगल कभी भी नहीं होगा, ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स कि वो क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो यह देखा क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रॉम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, रॉम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो आता है कोलिनियर के प्रॉपर्टी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलिनियर्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थ्री पॉइंट्स जो है, मान लीजिए कोई भी तीन पॉइंट अगर आपके पास दे रखे हो,
ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, इस तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दे रखे हों, ठीक है। तो हम कैसे कोलिनियर प्रूव करेंगे, उन पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? तो कोलिनियर का जो कंडीशन है, जरा ध्यान रखिएगा कि जब तीनों सिगमेंट की लेंथ को हम फाइंड कर लेंगे तो किसी भी दो सिगमेंट का सम अगर तीसरे सिगमेंट के इक्वल हो तो पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर कहा जाएगा। जैसे मान लो ए बी ए सी और बी सी आपने फाइंड कर लिया, तो ए बी प्लस ए सी अगर बी सी के इक्वल हो तो पॉइंट्स कोलिनियर कहे जाएंगे, एक ही रेखे पे कहे जाएंगे, समरेखी कहे जाएंगे। और सेकेंड पार्ट में अगर मान लो कि ए सी प्लस बी सी जो है वो अगर ए बी के इक्वल है तो फिर से कोलिनियर कहा जाएगा, ठीक है। और यहां पे याद रखना ए सी, तो यहां पे हमने निकाल लिया बी सी, एंड प्लस ए बी जो है अगर ए सी के इक्वल है तो गिवन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो कोलिनियर में क्या करेंगे, अगर ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो पहले तो आप क्या करेंगे, तीनों सिगमेंट को निकालो, तीनों सिगमेंट तो बनता है, ए बी बनेगा, एक ए सी बनेगा, बी सी बनेगा, चेक कर लेंगे किसी भी दो सिगमेंट का सम अगर तीसरे सिगमेंट के इक्वल हो देन गिवन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो यह रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप इस चैनल को उन नीडी बच्चों को भी बोलिए जिनके पास रिसोर्स नहीं है, कि उनके पास ट्यूशन का पैसे नहीं है या नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि यह बात उन तक भी जा सके और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा उठा सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। मैं हूं बीके सिंह सर, जो भी इस चैनल में मैं बोलूंगा सब सच बोलूंगा, सच पढ़ाऊंगा, ठीक है, कभी भी गलत बात हम नहीं बोलेंगे, ट्रूथ ही केवल इस चैनल का एक पहला यूएसपी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब अगली वीडियो में मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मेरा चैनल है अभ्यास स्टडी सेंटर, मैं हूं बीके सिंह सर, मोबाइल नंबर जो है 9717496496, आप इस पे केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई कॉलिंग अलाउड नहीं है। थैंक यू सो मच।